बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड NF, यानी इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रेजेंट इन द टेबल। यानी दोस्तों, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल नंबर 1 के मुताबिक सबसे पहले तो टेबल का सेकंड NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम पिछले लेक्चर में बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड NF अगर आपके टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है तो उसको दूर किया जाए। और अब जब आपने पार्शियल डिपेंडेंसी को दूर कर लिया, इट मींस कि ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। अब दोस्तों, हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल नंबर 2 को अप्लाई करेंगे कि देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन। यानी दोस्तों, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि एक टेबल में से जब आपने पार्शियल डिपेंडेंसी दूर कर दी, अब आपको ये सर्च करना है कि उस टेबल में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो मौजूद नहीं है। और अगर उस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर करती है, इट मींस कि ये टेबल अब 3NF नहीं है। और 3NF में लाने के लिए हमें इसको इसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप गौर करें तो फर्स्ट NF से सेकंड NF में आने के लिए हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को दूर किया, जबकि सेकंड NF से थर्ड NF में आने के लिए हमें टेबल में से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर करना होगा। और दोस्तों, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। तो ये देखिए, इट इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स। यानी दोस्तों, ये एक ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि तभी अकर होगी जब आपके टेबल में दो या दो से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स मौजूद होंगे। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट, then this dependency is called transitive dependency. या फिर इसको अगर आसान अल्फाज में लिखें तो if a non-key attribute value can be obtained, can be determined simply by knowing the value of another non-key attribute. यानी दोस्तों, मिसाल के तौर पर ये एक relation है R जिसमें तीन attributes हैं A, B और C, और A यहाँ पर की एट्रीब्यूट है जबकि बी और सी नॉन की एट्रीब्यूट है। तो अगर बी डिपेंड करता है ए पर, यानी अगर हम बी की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो इजीली ए के जरिए कर सकते हैं, जबकि सी ए पर डायरेक्टली डिपेंड करने के बजाय बी एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम सी की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं तो बी के जरिए बा आसानी कर सकते हैं। जबकि यहाँ अगर आप गौर करें तो बी एक नॉन की एट्रीब्यूट है जिसके जरिए एक नॉन की एट्रीब्यूट सी की वैल्यू डिटरमाइन हो रही है। तो ऐसी सूरत में वी कैन से कि यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर करती है। और इसको लिखने का तरीका दोस्तों कुछ इस तरह से है कि इफ बी व्हिच इज अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स अपॉन की एट्रीब्यूट ए एंड इफ सी व्हिच इज आल्सो अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स अपॉन बी व्हिच इज आल्सो अ नॉन की एट्रीब्यूट, then C indirectly depends upon key attribute A, and this is called transitive dependency. और इसी transitive dependency को third normal form deny करता है। और दोस्तों, third normal form के मुताबिक तमाम non-key attributes को indirectly नहीं, यानी तमाम non-key attributes को indirectly नहीं, बल्कि directly depend करना चाहिए अपने key attribute पर। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि how we can remove this transitive dependency. यानी यहाँ तक हमें पता लग गया कि transitive dependency क्या होती है, जब कोई भी non-key attribute अपने ही non-key attribute पर depend करता हो। यानी अगर आप किसी non-key attribute की value मालूम करना चाहते हैं तो उसको determine करने के लिए आप non-key attribute को ही use करें, तो ऐसी सूरत में हमारे पास transitive dependency occur करती है। जबकि 3NF इस चीज को deny करता है कि 3NF में जो table है उसमें transitive dependency नहीं होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये सवाल उठता है कि हम इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे इस टेबल में
टेबल आर में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर करती है, क्योंकि बी तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ए पर, जो कि की एट्रीब्यूट है। तो यहाँ हमने कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एक नॉन की एट्रीब्यूट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक की एट्रीब्यूट पर, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों सी जो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है, अब वो जो है डिपेंड कर रहा है एक नॉन की एट्रीब्यूट बी पर, तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम क्योंकि दोस्तों बी टू सी के दरमियान आ रही है, दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम इस बी और सी को एक अलग टेबल में रख देंगे। इस तरह ये टेबल आर दो टेबल्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी आर वन जिसके अंदर इसमें वो नॉन की एट्रीब्यूट होगा जो कि की एट्रीब्यूट पर फुली डिपेंड करता था, और आर टू टेबल के अंदर वो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी वजह से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर हो रही थी। और दोस्तों टेबल आर वन में प्राइमरी की हमारे पास ए होगी, जो कि पहले भी हमारे टेबल की प्राइमरी की थी, जबकि टेबल आर टू में हमारी प्राइमरी की बी होगी। और अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों टेबल्स में कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स अपने की एट्रीब्यूट्स पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, विच मींस कि यहां से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों यहां आपको पता लग गया होगा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आपको कैसे दूर करना है। जिन भी एट्रीब्यूट्स के दरमियान ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर हो रही है, आप सिंपली उन एट्रीब्यूट्स को ही अपने टेबल से अलग कर लें, उनको एक अलग टेबल में रख लें, और जो एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं अपने की एट्रीब्यूट पर, उनको अलग टेबल में रख लें। तो इस तरह से आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ एक वेंडर का टेबल है जिसमें आईडी प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, जबकि नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड नंबर और बैंक ये नॉन की एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ हम वेंडर की आईडी के जरिए नेम, अकाउंट नंबर और बैंक कोड नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि बैंक के लिए अगर हमारे पास वेंडर आईडी मौजूद नहीं है, तब भी हम बैंक कोड नंबर के जरिए, यानी दोस्तों अगर हमारे पास आईडी नहीं है लेकिन बैंक कोड नंबर मौजूद है, तो हम इस बैंक कोड नंबर के जरिए भी बैंक का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों वी कैन से कि ये जो बैंक कोड नंबर है ये डिटरमाइन कर रहा है बैंक को। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर करती है, क्योंकि बैंक और बैंक कोड नंबर दोनों ही नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, और अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कि अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे, तो वहां पर हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिलती है। अब दोस्तों हमें इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर करना है, और इसको दूर करने का तरीका ये है कि जिन एट्रीब्यूट्स के दरमियान ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर हो रही है, हम उनको एक टेबल में रख देंगे और बाकी के एट्रीब्यूट्स को दूसरे टेबल में इस तरह से रख देंगे। और वेंडर के टेबल में वेंडर आईडी प्राइमरी की होगी, जबकि बैंक के टेबल में बैंक कोड नंबर प्राइमरी की होगी। और इस तरह अगर आप गौर करें तो इन दोनों टेबल्स में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर नहीं कर रही है। अब तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स अपने की एट्रीब्यूट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। तो अब वी कैन से कि दीज टेबल्स आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो दोस्तों इस तरह हमारे इस लेक्चर का और साथ के साथ इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। इस चैप्टर में हम एक्चुअल में डेटाबेस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।